Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So, आज हम करेंगे day 5 of our 15 days pledge. Yes, रोज आपको around 20 to 30 minutes की एक वीडियो मिलती है जो आपको 15 दिन तक करनी है, या आप जब पूरी हो जाए तो binge watch भी कर सकते हो. That will be around 7.5 to 8 hours, जिसमें आप पूरा का पूरा syllabus बहुत ही अच्छे से cover up कर सकते हैं. So, that is up to you. How do you want to go for it? So, अभी हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि आपके पास सेलेक्ट कमांड जो है SQL में, उसके साथ रिलेशनल, लॉजिकल एंड स्पेशल ऑपरेटर्स कैसे यूज हो सकते हैं. सो पिछले क्लास में मैंने आपको DML कमांड्स बताई थी, दैट इज सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. एंड सेलेक्ट हमने बिल्कुल बेसिक फॉर्म में किया था कि प्रोजेक्शन और सिलेक्शन क्या होता है, पर उसके साथ बहुत 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 सारी कंडीशंस हम दे सकते हैं, और वो किस तरह से कंडीशंस दी जाती हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो क्वेरीज लिखने के लिए आएंगी पेपर में, वो सेलेक्ट कमांड में से आने वाली हैं. सो इट इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू पे फुल अटेंशन, और इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है. मैं कराऊंगी, करनी आपको है. एंड कोशिश कीजिएगा जब भी मैं क्वेश्चन दूँ तो आप अपनी नोटबुक में भी उसके साथ आंसर लिखें, मैच करें, ताकि आपका सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो. राइट, सो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आप लोग के अगर छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, हु वॉन्ट टू गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, सो अगर वो सोच रहे हैं कि चलो अप्रैल में क्लासेस शुरू होंगी तभी सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो बेटा आई वुड से कि आप उन्हें ये ज़रूर बता दीजिए कि सब्सक्रिप्शन अभी के अभी ले लें, क्योंकि मार्च के बाद, अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होगा, तो प्राइजेस वुड इंक्रीज. तो जो आपके अभी मंथली हमें शायद 1000 रुपये पड़ता है सिर्फ एक साल की सब्सक्रिप्शन लेने पर, सो अगर एक साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ली जाती है, इट इज़ हार्डली 1000 रुपीज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, है ना. सो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाता है जब आप मेरा कोड AL कोडर्स यूज़ करेंगे, ठीक है. और फ्री प्लान को भी आप इसी कोड से अनलॉक कर सकते हैं, बट ये चार्जेस बढ़ जाएंगे अप्रैल में. तो दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहा है तो ले ले, और एक साल की लीजिए ताकि आपको बेस्ट डिस्काउंट्स मिल सके. एंड एक साथ पे नहीं करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, EMI की ऑप्शन भी होती है, सो वी कैन पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स आल्सो. सो वो आप सपोर्ट पे कॉल करके सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज अनअकैडमी पे जब आप उनको करेंगे कॉल मी बैक, सो दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, राइट. सो वो आप कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर kids future. अब तो ऑफलाइन स्कूल्स शुरू हो गए हैं, बच्चों को स्कूल की आदत नहीं है, तो यहाँ पर उनको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, राइट. सो रिमेंबर दिस कोड AL कोडर्स. और जो 12th वाले बच्चे हैं आपके लिए, तो बेटा अब हार्डली 2-3 महीने रहते हैं, सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अ 3 month सब्सक्रिप्शन, तो 4500 में आपको 3 month सब्सक्रिप्शन मिल रही है, सो यू कैन डू दैट एज वेल. एंड फॉर ऑल अदर्स मार्च में ले लो, अप्रैल में प्राइजेस बढ़ जाएंगे, ठीक है. सो चलो चलते हैं, बात करते हैं अब हम अपनी सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स के. ऑपरेटर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलेक्ट के साथ यूज़ होंगे, बेसिकली वेयर के साथ यूज़ होंगे, है ना. तो आप अब वेयर चाहे अपडेट में लगाओ, चाहे वेयर डिलीट में लगाओ, चाहे वेयर सेलेक्ट में लगाओ, आप वहाँ पर कंडीशंस दे सकते हैं. सो अगर हम ये कहें कि हमें कंडीशंस बनानी है, तो कंडीशंस का मतलब क्या होता है, या तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, है ना. तो कंडीशन का आंसर ट्रू या फॉल्स में आना चाहिए. सो अ कंडीशन रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स. तो पहला जो कैटेगरी है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स. आपने पाइथन में भी किए हुए, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू, यू आर डूइंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे हो. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. अब यहाँ पर पाइथन से फ़र्क क्या है, पाइथन में जब आपको इक्वालिटी चेक करनी होती थी तो 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ता था, यहाँ पर आप 2 बार नहीं लगाओगे, 1 ही बार लिखोगे, ठीक है. तो अगर मुझे चेक करना है ए इक्वल टू बी, तो आई जस्ट राइट ए सिंगल इक्वल टू का साइन बी, नॉट लाइक पाइथन. दूसरा, नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू साइन होता है, एज वेल एज हम ये दोनों साइंस फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर भी यूज कर सकते हैं. तो लेस देन, ग्रेटर देन का साइन एक दूसरे को देखते हुए, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज नॉट इक्वल टू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेक करती हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 50, है ना, सो ये मुझे ट्रू कब देगा, जब मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे, सो इट विल गिव मी ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव मी फॉल्स. व्हाट अबाउट 50 हुए तो, 50 हुए तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि वो सिर्फ ग्रेटर चेक कर रहा है, इक्वल चेक नहीं कर रहा है. अगर आप चाहते हो कि ग्रेटर और इक्वल दोनों चीज़ें चेक हों,
तो आपको ग्रेटर इक्वल लिखना पड़ेगा। तो अब 50 होगा तो भी ट्रू आएगा, 50 से बड़ा होगा तो भी ट्रू आएगा, ठीक है। सिमिलर वे लेस देन होता है, तो ये ऑपरेटर चेक करता है कि फर्स्ट वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं, ये चेक करता है फर्स्ट दूसरे से छोटी है या नहीं, इसमें ग्रेटर हो तो भी ट्रू, इक्वल हो तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आता है। इसमें लेसर हो तो भी ट्रू, इक्वल हो तो भी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आता है। दिस इज टू चेक इक्वालिटी एंड दिस इज टू चेक नॉट इक्वालिटी, नॉट इक्वल। सो मैं कहती हूँ कि वो वाले स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाओ जिसका एडमिशन नंबर 2340 है। अब 2340 के लिए कंडीशन क्या बनेगी, एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 2340, सो इक्वल टू एक बार लिखना है। मैं आपको कहती हूँ वो सारे स्टूडेंट्स दिखाओ जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वेयर सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, सो ईदर वेज वी कैन राइट इट, चाहे हम ऐसे लिख लें चाहे हम ऐसे लिख लें। सो दीज आर 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसकी हेल्प से आप कंडीशंस चेक करते हो। हम ये भी कहते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट बूलियन एक्सप्रेशंस जिनका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है। सो इनको यूज करके कंडीशन बन सकती है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कमेंट्स में लिख के बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। सो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन तो ठीक है, चलो हम लगा लेंगे, एक कंडीशन तो हम लगा लेंगे, पर कभी कभी दो कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि सारे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स दिखाओ, तो आपकी कमांड क्या होगी, सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th, राइट, यही बनेगी ना कंडीशन। सो जहाँ पे क्लास 12th है उसके नेम और मार्क्स दिखा दो। अब मैं कहती हूँ कि सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के दिखाओ जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंडीशन लगा देते हो कि भाई मार्क्स 80 से ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वो सारे स्टूडेंट्स दिखाएगा जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, पर क्या वो सिर्फ क्लास 12th के होंगे, क्या वो सिर्फ क्लास 12th के होंगे, नहीं है ना। ये क्या दिखाएगा, सिर्फ क्लास 12th के, लेकिन सब, चाहे उनके मार्क्स 30 हो, 35 हो, 50 हो, 40 हो, 80 हो, 82 हो, जितने भी हो, सो इट विल शो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स। दिस विल शो, मैंने क्या लिख दिया, 80 लिखना है यहाँ पे। सो दिस विल शो ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है, ठीक है। सो ये उनके मार्क्स दिखाएगा जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा है। क्लास कोई सी भी हो सकती है, क्लास हो सकता है 10th हो, क्लास हो सकता है 7th हो, 6th हो, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ क्लास के ऊपर कंडीशन ही नहीं लगाई और मैंने यहाँ मार्क्स के ऊपर कंडीशन नहीं लगाई। अब मैं चाहती हूँ कि दो कंडीशंस हो, क्लास भी 12th चाहिए मुझे एंड मार्क्स भी 80 से ज़्यादा चाहिए। सो जैसे हम बोलने में कह रहे हैं कि मुझे दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, है ना, आई वॉन्ट बोथ ऑफ देम टू बी ट्रू, मुझे क्लास भी 12वीं चाहिए, मुझे मार्क्स भी 80 से ज़्यादा चाहिए। सो जब आपको दो कंडीशंस ट्रू चाहिए होती हैं तो हम उन दो कंडीशंस को किसके साथ कंबाइन करते हैं, हम कंबाइन करते हैं उन्हें एंड के साथ। सो एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। सो एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर जिसकी हेल्प से आप दो कंडीशंस को जॉइन कर सकते हो, एंड वो आपको ट्रू सिर्फ तभी देता है जब दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू होता है। एक भी फॉल्स हो गई, क्लास 12th नहीं है, नहीं दिखाएगा, मार्क्स 80 से कम है या 80 भी हैं तो भी नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने ग्रेटर देन 80 लिखा है। तो दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई, आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू शो द रिजल्ट अगर एक भी फॉल्स है, ठीक है। सो एंड हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव टू चेक टू कंडीशंस एंड वी नीड बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू, मेरे को दोनों कंडीशंस ही ट्रू चाहिए हैं, तो वहां पर मैं एंड यूज करूंगी, ठीक है। सो ये कौन सा ऑपरेटर है, इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको हम एंड को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, कि मान लो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, कंडीशन वन कंडीशन टू, पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो, पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, या फिर ये दोनों ही फॉल्स हो। तो अगर आप यहाँ पर दोनों के बीच में एंड लगाते हो, सो दोनों के ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन एक के भी फॉल्स होने से आपका पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है,
ठीक है। ऐसे ही एक और लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है और मतलब या, है ना, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, मींस वन ऑफ द टू थिंग्स, कि आपको कोई भी एक मिल जाए आप सेटिस्फाइड हो। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखने हैं। अब बोर्ड क्लासेस मेरे पास कौन सी है, 10th और 12th। तो मैं कंडीशन क्या लगा सकती हूँ कि वेयर क्लास इज इक्वल टू 10th और क्लास इज इक्वल टू 12th, है ना। सो या तो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, दोनों में से कोई भी एक होगी तो वो बोर्ड क्लास है एंड हमें उसको शो कराना है। तो C1 और C2 अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो भी ट्रू, फॉल्स ट्रू है तो भी ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ और, C1 और C2, सो दैट्स ट्रू 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 फॉल्स, सो दैट्स हाउ और वर्क्स, ठीक है। सो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन कहा जाता है कि डिस्प्ले द नेम and marks of students studying in class 10th or 12th, या 10th and 12th भी अगर लिख दे, ये तो इंग्लिश में पूछते हैं ना क्वेश्चन। सो बच्चे क्या करते हैं कई बार कंफ्यूज होके क्या लिख देते हैं, सिलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट where class is equal to 10th and class is equal to 12th. बेटा ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, empty set answer आएगा, क्योंकि class एक ही column है, एक column में या तो 10th होगा या 12th होगा ना, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। So ऐसा तो हो नहीं सकता कि class 10th भी हो and class 12th भी हो, नहीं ना। अगर वो 10th है तो 12th वाली condition false हो जाएगी, 12th है तो 10th वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो दोनों में से एक ना एक तो फॉल्स हो ही जाएगी, तो कुछ भी शो नहीं होगा, इट विल बी एन एम्प्टी सेट। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी शुड नॉट राइट एंड, रादर वी शुड राइट और। सो और का मतलब है कि या तो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, तो 10th हुई तो भी दिखाएगा, 12th हुई तो भी दिखाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो दैट इज Select name, comma marks from student where class is equal to 10th or class is equal to 12th. Clear? अब एक और logical operator है जिसका नाम है not. ये दो conditions को combine करने के काम में नहीं आता है, लेकिन आप इसे किसी condition के आगे लगा सकते हो। जैसे कि ये जो है where class is equal to 10th और class is equal to 12th, इसके आगे अगर आपने not लगाना है तो इस पूरे को bracket में देखे not लगा दोगे तो उससे क्या होगा, 10th 12th को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, मतलब ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो आप जो कंडीशन है उससे उल्टा रिजल्ट अगर देखना चाहते हो तो उस कंडीशन से पहले आप नॉट लगा दोगे। जैसे आपको देखना है जो दिल्ली में नहीं रहते, तो मैंने आपको पीछे बताया था सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, तो लिख ही सकते हैं, बट अगर मैं ऐसे भी लिखूंगी तो भी वही आंसर आएगा। सो नॉट सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, सो मतलब सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, जहाँ ट्रू होगा नॉट उसको फॉल्स कर देगा, जहाँ फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा, तो जहाँ पे दिल्ली नहीं होगा उनको दिखा देगा क्योंकि उस टाइम पे ट्रू आएगा, और जहाँ पे दिल्ली होगा उसको फॉल्स बना देगा तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। सो नॉट यूज होता है टू निगेट द रिजल्ट, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बनाने के लिए, फाइन। सो ये तो हो गए रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। एक चीज ध्यान में रखेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले अगर एक ही कंडीशन में सारे यूज हुए हैं, नॉट भी है एंड भी है और भी है, तो सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, नॉट सॉल्व होने के बाद एंड सॉल्व होता है, और उसके बाद और, इसे कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, उसके बाद नॉट, फिर एंड, फिर और, ठीक है। ये तो हो गए रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, अगर नहीं है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पढ़ तो आप रहे हो बहुत अच्छी बात है, सीरियसली पढ़ रहे हो, बट साथ साथ ये भी याद रखना है कि हम वीडियो को लाइक कर दें। सो लाइक द वीडियो एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। पर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हमारे पास और ऑपरेटर्स हैं, सो वी हैव सम स्पेशल ऑपरेटर्स विद अस। इन सब की वर्किंग अगर आपको देखनी है, इन सब की एग्जीक्यूशन MySQL में देखनी है बेटा, तो जो डिटेल्ड प्लेलिस्ट है प्लीज गो एंड वॉच दैट। क्रैश कोर्स है इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि कैसे कैसे है, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर्स, ठीक है। बट इफ यू वॉन्ट टू सी द डिटेल्ड थिंग एग्जीक्यूट कैसे होता है, कैसे रिजल्ट आता है, तो आप इसकी डिटेल्ड प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में से जाके। स्पेशल ऑपरेटर्स में वी हैव एन ऑपरेटर कॉल्ड इज नल।
null, मैंने आपको जैसे कि बताया एक स्पेशल चीज होती है, एक स्पेशल वैल्यू विच इज नॉट जीरो, विच इज नॉट अ ब्लैंक स्ट्रिंग. तो अगर मैं कहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स बताओ जिनको मार्क्स अभी तक अलॉट नहीं हुए, तो आप लिख दोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू नल. तो इसमें एरर नहीं आता लेकिन इसका आंसर भी नहीं आएगा, इट विल शो यू एम्प्टी सेट. ठीक है, एरर नहीं आएगा लेकिन आंसर भी नहीं आएगा. तो हम इक्वल टू की हेल्प से नल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. सो इक्वल टू कैन नॉट बी यूज टू कंपेयर नल. सो यहाँ पर हमको क्या यूज करना पड़ता है, इज नल. स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल. तो जिस जगह पर, जिस रो में मार्क्स कॉलम की वैल्यू नल होगी वो उस रो को डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट वाली रो मिलेगी जिसमें मार्क्स की वैल्यू है ही नहीं, इट विल शो दैट पर्टिकुलर रो. ठीक है, जैसे इज नल होता है उसका उल्टा होता है इज नॉट नल. इसमें आप नॉट पहले नहीं लगाओगे, नॉट इज नल नहीं लिखेंगे, विल राइट इज नॉट नल. ठीक है, सो अगर मुझे वो देखने हैं जिनके मार्क्स हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मार्क्स है ही नहीं, तो आप लिखोगे वेयर मार्क्स कॉलम का नाम इज नॉट नल. सो विल राइट लाइक दिस वेयर मार्क्स इज नॉट नल. तो जहां पर वैल्यू है उसे शो करेगा, जहां पे नहीं है उसको स्किप कर देगा. सो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नल कभी भी इक्वल टू से चेक नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल ऑपरेटर है जिसका नाम है इज नल. उसके बाद आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू है या डेट है और आपको चेक करना है कि वो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में लाई करता है. यानी जैसे कि मैं कहती हूँ कि उन सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट दिखाओ जो 60 से 80 मार्क्स के बीच में है. मतलब उनके मार्क्स 60 भी हो सकते हैं, 61 भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, 69 भी हो सकते हैं. 80 तक ले रहे हैं तो 78, 79, 80 भी हो सकते हैं. सो इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, सो वी हैव टू डू दैट. तो कैसे करेंगे, हाउ वुड वी राइट दिस कमांड? तो कैसे करेंगे, वी विल बी राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना. फिर आप लिखोगे वेयर, जितना हमें अभी आता है उसके हिसाब से मैं कंडीशन बना सकती हूँ कि भाई वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80, है ना. जितना हमने पढ़ा है अभी इस पर्टिकुलर लेसन में उसके हिसाब से यही कंडीशन बनती है कि मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा हैं एंड 80 से कम है या इक्वल है तो भाई 60 और 80 के बीच में है. जैसे कि अगर आप 55 लेते हो तो 55 60 से बड़ा नहीं है, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी ट्रू है. बट पहली फॉल्स है तो ओवरऑल रिजल्ट इज फॉल्स. 65 लेते हो तो 60 से बड़ा है, 80 से छोटा भी है, यस ट्रू, सो ट्रू आ जाएगा. 85 लेते हो तो 60 से बड़ा तो है लेकिन 80 से छोटा नहीं है, तो अगेन फॉल्स. तो वो ट्रू सिर्फ तभी देगा जब 60 और 80 के बीच में लाई करेगा. इसी चीज को लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास, एंड दैट इज यूजिंग अ स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड बिटवीन. सो वी हैव अ स्पेशल ऑपरेटर जिसका नाम है बिटवीन. कैसे लिखते हैं हम इसको, कॉलम का नाम लिखते हैं, कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू वन एंड वैल्यू टू. सो आप पहली वैल्यू लिखेंगे एंड वर्ड लिखेंगे और फिर सेकेंड वैल्यू लिखेंगे. जैसे कि ऊपर वाली कंडीशन अब बन जाती वेयर मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80. सो हम कहते हैं यहाँ पे कि जो ये लिमिट्स हैं ये इंक्लूसिव है. इंक्लूसिव मतलब 60 के इक्वल हुआ तो भी दिखाएगा, 80 के इक्वल हुआ तो भी दिखाएगा, बीच में हुआ 61, 62 से लेकर 79 तक तो भी दिखाएगा. ठीक है, सो मार्क्स बिटवीन 60 एंड 80. नाउ इट्स अप टू यू एज अ प्रोग्रामर कि आप कौन सी तरह से लिखना प्रेफर करते हो. ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाला गलत है या नीचे वाला सही है, नथिंग लाइक दैट. टोटली अप टू यू, आप क्वेरी में क्या लगाते हो. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 60 से 80 के बीच में, आप ऊपर वाला लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, नीचे वाला लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे. पर इसको याद किस लिए रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लेते हैं कि चार क्वेरीज लिखी हुई हैं, अब बताओ इसमें से कौन सी दो सेम काम करती हैं, है ना. सो कौन सी दो सेम काम करती हैं वो कैसे पता चलेगा, जब पता होगा कि बिटवीन करता क्या है, राइट. सो आपको ऐसे दो कंडीशंस दी होंगी, इसके साथ दो और दी होंगी, आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन सी दो सेम काम करती हैं. सो देन यू शुड नो कि बिटवीन क्या है, कैसे काम करता है. ठीक है, सो समझ आ गया बिटवीन. हाँ, फटाफट चैट में लिखते रहो, पता चलना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि क्लास लंबी है तो सो गए बीच में, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैम लंबी वीडियो बना रही है, क्रैश कोर्स है तो बीच में ही सो गए करते करते,
फाइन. सो वी हैव इन. इन किस लिए यूज होता है? अब दैट इज अनदर ऑपरेटर. इन होता है जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि वो सारे रिकॉर्ड दिखाओ जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में है. तो आपने लिखा था क्लास इज इक्वल टू टेंथ और क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ. अब मैं उसमें कहती हूँ एट्थ वाले भी दिखाओ, तो आप लिख दोगे क्लास इज इक्वल टू एट्थ और क्लास इज इक्वल टू टेंथ और क्लास इज इक्वल टू ट्वेल्थ, है ना. तो वो इतना लंबा काम बचाने के लिए वी हैव इन. पाइथन में भी था ना इन मेंबरशिप ऑपरेटर, इफ यू रिमेंबर. सो आपने पाइथन में भी किया हुआ है मेंबरशिप ऑपरेटर. तो इसमें क्या होता है कि हम कॉलम का नाम देते हैं, फिर हम इन लिखते हैं और फिर यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं. जितनी मर्जी वैल्यूज दे सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन गिव एज मेनी वैल्यूज. अगर इस कॉलम की वैल्यू इनमें से किसी एक के भी इक्वल हुई, सो इफ कॉलम इज इक्वल टू एनी ऑफ दीज वैल्यूज, इनमें से किसी भी एक के इक्वल हुई तो ट्रू, अगर किसी भी के इक्वल नहीं हुई तो फॉल्स. सो अगर मुझे एट्थ टेंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चे दिखाने हैं तो मेरी क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर वेयर क्लास इन व्हाट एट्थ टेंथ ट्वेल्थ, है ना. सो वेयर क्लास इन एट्थ टेंथ ट्वेल्थ. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन एट्थ टेंथ ट्वेल्थ. सो दिस इज हाउ आई कैन राइट अ क्वेरी, ठीक है, जो कि मुझे 8th, 10th, 12th सारों के रिकॉर्ड्स दिखा देगी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे क्लास इज इक्वल टू 8th और क्लास इज इक्वल टू 10th और क्लास इज इक्वल टू 12th. अगर आप ऐसे भी लिखोगे तो बिल्कुल सही है. कुछ बच्चे कभी ऐसे लिख देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्लास इज इक्वल टू 8th और 10th और 12th, ये कोई कमांड नहीं है बेटा. दिस इज नॉट अ कमांड, दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ठीक है. या तो ये, दोनों में से कोई एक हो सकता है. आखिरी स्पेशल ऑपरेटर जो हमें करना है वो है लाइक. वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एक क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर आएगा ही आएगा फॉर श्योर. सो 100% वाला क्वेश्चन है ये, इसने आना ही आना है पेपर में. इसका पर्पज क्या है? पैटर्न मैचिंग. सो ये यूज होता है कैर और वेयर कैर के साथ कि आपको कुछ पार्ट ऑफ टेक्स्ट पता है और बाकी का नहीं पता. जैसे मुझे याद आ रहा है कि उस दिन एक बच्चे ने कुछ कमेंट करके बताया था, उसका नाम एस यू से शुरू हो रहा था पर एग्जैक्टली क्या था, सुकृत सा, सुनैना था, सुयोदय था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा. पर मुझे ये याद है कि एस यू पहले दो लेटर्स थे, तो वहां पर मुझे हेल्प करेगा लाइक. सो दैट्स पैटर्न मैचिंग कि कुछ पार्ट पता है आपको, या आपको बच्चे का सरनेम पता है कि उसका सरनेम जो था दैट वॉज एनीथिंग अरोड़ा, ठीक है. सो आई नो कि उसका नाम अरोड़ा है बट फर्स्ट नेम क्या है नहीं पता, तो आई कैन यूज लाइक ओवर देयर. सो यहाँ पर दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, जिनको हम वाइल्ड कैरेक्टर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं. आपको जो कैरेक्टर्स नहीं पता उनको आप इन सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो जो कैरेक्टर्स आपको नहीं पता उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टर्स. कैसे? अंडरस्कोर का मतलब होता है कि एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर है, क्या है आई डोंट नो बट कोई एक कैरेक्टर है. सो एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर. सो जब आपके पास एग्जैक्टली वन अननोन कैरेक्टर हो, ठीक है, उसको हम अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करते हैं. जब मुझे पता ही नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं, पता ही नहीं था भी कि नहीं था, पता नहीं जीरो कैरेक्टर्स थे, वन थे, टू थे, टेन थे, आई डोंट नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स वर देयर. सो व्हेन आई डोंट नो सो आई यूज परसेंटेज. सो दैट मीन्स जीरो और मोर अननोन कैरेक्टर्स. सो आई डोंट नो हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. जैसे मैं आपको भी एग्जाम्पल दे रही थी कि नाम एस यू से शुरू होता है, तो उसकी क्वेरी क्या हो जाती? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, और इक्वल टू नहीं लिखेंगे लाइक लिखेंगे, वेयर नेम लाइक एस यू परसेंटेज. दैट मीन्स पहले दो लेटर्स तो एस यू हैं, उसके पीछे क्या है पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे. तो अगर एस यू नाम होगा वो भी आ जाएगा, एस यू एन होगा वो भी आ जाएगा, एस यू के आर आई टी होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है. सो इट शुड स्टार्ट विद एस यू, पीछे कुछ भी हो डज नॉट मैटर, कुछ हो या नहीं हो दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर, ठीक है. अगर आप सरनेम चेक कर रहे थे तो इट शुड बी परसेंटेज अरोड़ा, तो पहले कुछ भी हो सकता है पीछे अरोड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली नेम लाइक करके करेंगे, ठीक है.
अगर आप कहते हो भी बंदे के नाम का सेकेंड लेटर ए था, ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, अगर नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। सो अगर आपके पास क्या है, इफ़ यू वॉन्ट सेकेंड लेटर इज ए, तो वी विल राइट नेम लाइक सेकेंड लेटर इज ए ना, सो अंडरस्कोर ए परसेंटेज, मतलब पहला लेटर क्या है नहीं पता, पर है एक पहला लेटर है, एक ही है, सेकेंड लेटर ए है, पीछे क्या है नहीं पता, ठीक है। आप कहते हो कि भाई नाम में कहीं पे भी पी होना चाहिए, सो पी शुड बी देयर एनीवेयर इन द नेम। नाउ मुझे नहीं पता एनीवेयर इन द नेम, हो सकता है पी से पहले कुछ हो, पी के बाद कुछ हो, पी के बीच पे, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वी विल टेक परसेंटेज, सो परसेंटेज पी परसेंटेज, सो पी से पहले भी कुछ हो सकता है, पी के बाद भी हो सकता है, सो इसमें प्रतीक भी आ जाएगा, इसमें अमनदीप भी आ जाएगा, इसमें सुदीप भी आ जाएगा, पी बीच में कहीं पे आता हो, अपर्णा, अपर्णा भी आ जाएगा, ठीक है। सो पी कहीं पे भी हो नाम में वो फिट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहती हूँ वो नाम दिखाओ जिसमें एग्जैक्टली चार लेटर्स हैं, सो नेम लाइक अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इससे क्या होगा, वही स्टूडेंट्स जो होंगे जिनके नाम में एग्जैक्टली फोर लेटर्स हैं, क्योंकि मैंने चार बार अंडरस्कोर दिया है, तो अमन आ जाएगा, ठीक है, किरण नहीं आएगा, काया आ जाएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो जहां पे भी चार लेटर्स होंगे वो आएगा, अदरवाइज ना तीन वाला ना पांच वाला, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्कोर। सो ये होता है लाइक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। सो बहुत सारा पढ़ लिया आज, है ना, ये जो भी पढ़ा है ये यहाँ पे फिट भी होना चाहिए, सो इट शुड स्टे हेयर, जो भी आपने सीखा है तो इसको आप अपने हाथ से लिखेंगे ताकि आपको समझ आए, आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दूंगी ताकि आप कुछ क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें, और कम्युनिटी टैब पे भी डाल दूंगी यूट्यूब के, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो इंस्टाग्राम पे ना हो, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो बेटा AEC_computer_education इज़ द इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आई हैव स्टार्टेड, आई ट्राई टू स्टार्ट अ फ्यू मोर चैनल्स ऑल्सो, आई एम नॉट वर्किंग ऑन दोज, बट स्टिल दोज आर देयर इन द चैनल सजेस्टेड चैनल, सो यू कैन गो एंड विजिट दोज एज वेल। एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी, दिस इज़ माई प्रोफाइल, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, यहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो करेंगे, ये फॉलो का बटन आएगा, सो यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन फॉलो, सो ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशंस आ जाएँ, एंड जब आप मुझसे पढ़ेंगे वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा फीचर है अन अकेडमी का, जैसे हम डेडिकेशंस कहते हैं, सो इफ यू वांट टू से अ वर्ड ऑफ थैंक यू, जैसे जैसे आप अन अकेडमी पे सीखते हो आपके मिनट्स के अकॉर्डिंगली यू गेट दीज हैट्स विच यू कैन डेडिकेट टू मी। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट डे वीडियो वेरी सून। Till then, take very good care, subscribe the channel, like the video and share it with as many students as you can. Take care, bye for now.